Good morning everyone. Today we are going to do the last topic of our unit 1 and that is business risk. देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इसका एक basic meaning बताऊं तो हम बात करते हैं कि suppose करो अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, हम कुछ भी काम करने का सोच रहे हैं तो उसके साथ risk जुड़ा ही होता है. मान लो अगर मैं और ज़्यादा पैसा कमाने का सोचूं या एक बिजनेसमैन और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने का सोचे तो प्रॉफिट्स अगर वो और ज़्यादा कमाने का सोच रहा है तो उसको रिस्क तो उठाना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो रिस्क नहीं लेगा तब तक उसके चांसेस ही नहीं बनेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए. अगर मैं एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इस विश के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेट यू विल विन, कि आप जीतेंगे, आपकी ये विश है, लेकिन इट इज़ नॉट श्योर कि आप जीतोगे ही जीतोगे. वहाँ पर हारने की भी पॉसिबिलिटी है कि आप हार जाओ, आप जीतो नहीं. तो रिस्क का मतलब क्या है कि आप श्योर नहीं है कि आप मीन्स कर रहे हैं वो काम आपके फेवरेबल पॉइंट के लिए, बट इट डजंट मीन कि उसका अनफेवरेबल एस्पेक्ट आपके साथ नहीं हो सकता. अगर आप जीतने की चाह रख रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हार मिल ही नहीं सकती. बहुत बार हार भी फेस करनी पड़ती है. तो ये कंसेप्ट आपका रिस्क से जुड़ा हुआ है कि अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रिस्क भी बियर करना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन इज बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज. तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, एक टर्म लिखा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मीन्स कि जितना मैंने सोचा था मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा. फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बिजनेसमैन ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया. अब उसने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचा कि मुझे इस प्रोजेक्ट से 5 लाख का रिटर्न मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं. उसको 5 लाख की जगह सपोज करो 1 लाख का ही रिटर्न मिला, तो वहां पर उसको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ. अब वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट में रिस्क लेने के लिए सोचा था, उसने उस प्रोजेक्ट में रिस्क लिया, तब उसको मतलब बेशक इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हुए एंड इवन लॉसेस. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा उसको प्रॉफिट ही हो. अब बिजनेसमैन तो क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं. अब वही बात है कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि या तो एक बिजनेसमैन को इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो, मतलब जितना उसने चाहा था उतना प्रॉफिट्स उसको नहीं मिल रही, या फिर उसको लॉसेस हो बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज मींस कि देखिए आपका जो बिजनेस है वो फ्यूचर पे बेस्ड है. अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई हमने जैसा सोचा वैसा ही मिलेगा, क्योंकि अपना बुरा तो कोई नहीं सोचता ना, सभी अच्छा ही सोचते हैं कि भाई मुझे इतने का प्रॉफिट मिलेगा, बट नहीं मिला क्योंकि फ्यूचर क्या है, हमारा अनसर्टेन है, फ्यूचर अनिश्चित है. मीन्स हम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विद द 100% श्योरिटी कि ये होगा ही होगा. ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या है कि आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो या फिर लॉसेस हो बिजनेस में, क्योंकि अनसर्टेनिटीज होती हैं, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, आप 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. नाउ कम टू द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट वन इज रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज. अभी मैंने बताया कि रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है. अब अनसर्टेनिटीज जैसे कि ह्यूमन अनसर्टेनिटी, ह्यूमन अनसर्टेनिटी मतलब मान लो जो आपके इम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक पे बैठ गए या उन्होंने चोरी कर ली तो आपको रिस्क हो जाएगा. बिजनेस अनसर्टेनिटी, आपने डिमांड सोची थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड होगी मेरे प्रोडक्ट, मान लो मेरे प्रोडक्ट की इस महीने 10,000 यूनिट बिक जाएगी, बट नहीं बिकी क्योंकि आपने डिमांड का गलत असेसमेंट कर लिया. ठीक है, प्राइसेस एकदम से चेंज हो जाते हैं तो आपको रिस्क हो गया. नेचुरल अनसर्टेनिटी, नेचुरल अनसर्टेनिटी मीन्स प्राकृतिक कोई भी आप पे आपदा आ जाए. मान लो अगर अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, रिस्क फेस करना पड़ेगा. सेकंड वन इज रिस्क इज अनअवॉइडेबल. देखो आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आज से एक टर्म याद कर लो बिजनेस में, वो टर्म क्या है, नो रिस्क नो प्रॉफिट. जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता.
तो रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस, कि जो रिस्क की डिग्री होती है मीन्स कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे होगा तो आपको रिस्क भी छोटे लेवल पे होगा, बट अगर बिजनेस का साइज आपका ग्रो कर रहा है तो रिस्क भी आपको और ज़्यादा लेना पड़ेगा। फोर्थ वन इज प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, एंड ऑब्वियसली कोई भी रिस्क ऐसे ही तो नहीं लेगा। आप किस लिए रिस्क ले रहे हैं? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है, आप प्रॉफिट के रिस्क आप लेते ही इसलिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कारण क्या है बिजनेस रिस्क के, बिजनेस रिस्क होता किस वजह से है। द कॉजेज आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मीन्स कोई भी प्राकृतिक विपदा आ जाए, मान लो आपने इतना सारा जो माल है वो स्टॉक कर रखा था या कुछ भी हो रहा था, बट अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो क्या हुआ, आपका वो स्टॉक सारा खराब हो गया, आपको लॉस हो गया, तो वो आपका एक कारण बन गया बिजनेस रिस्क का। सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज मीन्स कि सपोज करो जो आपके एम्प्लॉयज हैं वही आपके साथ बेईमान हो गए। बेईमान हो गए मतलब कि आप उन्होंने आपका पैसा चुराना शुरू कर दिया या फिर उन्होंने आपके प्रोडक्ट चुराने शुरू कर दिए, तो वहाँ आपका रिस्क अराइज हो जाएगा। सेकेंड वन इज डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं अगर वही डिसऑनेस्ट हो जाता है, अब भाई कस्टमर कैसे डिसऑनेस्ट हुए, मान लो आपकी शॉप से ही सामान आए थे परचेज करने, चोरी करके ले गए, ठीक है, या फिर जान करके आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक महीने में बट वो कर ही नहीं रहे हैं, जानबूझ के आपके इंटेंशनली आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आपका रिस्क अराइज हो जाएगा। स्ट्राइक्स, एम्प्लॉयज जो हैं वो अगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तब आपको रिस्क अराइज हो जाएगा। एंड वर्किंग केयरलेसली, कि अगर काम केयरलेसली हो रहा है, मान लो कोई भी एम्प्लॉयज है, कुछ भी है, स्मोकिंग करते हुए काम कर रहा है, अब उसने जलती हुई सिगरेट वगैरह क्या करा, ऐसे ही फेंक दी, अब उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट में मान लो आग लग गई, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ आपको रिस्क झेलना पड़ा, आपको लॉसेस उठाने पड़े, ठीक है, लॉसेस बेयर करने पड़े। अनदर वन इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में फर्स्ट वन आता है आपका चेंज इन फैशन। अगर आप देखते हैं, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ कपड़ों की, क्लोथ्स की, तो वहाँ पर फैशन कितनी जल्दी चेंज होता है, ट्रेंड कितनी जल्दी चेंज होता है, ठीक है, तो जब फैशन एकदम से चेंज हो जाए तो आपको क्या होगा, बिजनेस रिस्क उठाना पड़ेगा। चेंज इन द प्राइसेस, प्राइसेस में एकदम से चेंज आ जाए, आपकी इकोनॉमी एकदम से स्लो डाउन हो गए, आपको प्राइसेस कम करने पड़े या कुछ भी, तो वहाँ आपको रिस्क बेयर करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अब तो मैगी वापस से डिमांड में आ चुकी है, बट आपने बीच में देखा हो तो मैगी की डिमांड कम हो गई थी, ठीक है, और पतंजलि के आटा नूडल्स एंड ऑल इन सब की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, आज भी है हालांकि, तो कॉम्पिटिशन का इफेक्ट हुआ था और उसको बियर करना पड़ा था। अदर कॉजेस, टेक्निकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी एकदम से अपग्रेड हो गई, आपका वाला जो आप जिस ट्रेंड से, जिस वे से अभी तक मेथोडोलॉजी से आप काम कर रहे थे वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क बियर करना पड़ेगा। मैकेनिकल कॉजेस, कोई भी मशीनरी रिलेटेड कॉज हो जाता है, आपको अभी की अभी मान लो अभी की अभी आपको आज की डेट में 1000 units बना कर देनी है उस मशीन से, बट वो मशीन क्या हो गई, एकदम से काम करते करते बीच में ही ख़राब हो गई, तो आपको उसे 1000 units के क्या करने पड़ेगी, कुछ ना कुछ लॉस बियर करना पड़ेगा। मैनेजरियल कॉजेस, मैनेजर, अगर मान लो आपका मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो आप भी, एम्प्लॉयज भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी जब तक कि आपके पास जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं होगी। If you are having any doubt, then you can contact me. I think now it's all clear to you. But still, if you are having any doubt, then you can contact me.